तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा, ये बहुत ही बेहतरीन डिजाइन है और एरिया इसका दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप अपने खेत पर एक कोठी नुमा घर का डिज़ाइन चाहते हैं तो आप इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरा मॉडल आज हम डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ये खेत में बनाएंगे दोस्तों तभी बन पाएगा, क्योंकि इतनी जगह यहाँ पर आपके पास नहीं होगी, क्योंकि इसको एरिया जो है बहुत ज़्यादा मैंने कवर्ड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में आप इतना बेहतरीन सा बना हुआ है डिज़ाइन। अगर हम बात करते हैं अगर साइड की, तो साइड में यहाँ पर क्लोज दिखाया है, बट अगर आप खेत वगैरह हम बनाएंगे तो आप देख अपना यहाँ पर विंडो वगैरह आसानी से लगा पाएंगे चारों तरफ। फ्रंट की बात करेंगे तो देख सकते हैं एक बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पर एक पोर्च भी दिया है, साइड में यहाँ पर एक ग्रीन एरिया भी दिया है, बारंदे का डिज़ाइन भी दिया है। सारा डिटेल बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको हम समझाने वाले हैं इस मॉडल का, और इसका साइज काफ़ी ज़्यादा है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो बने रहिए, अगर आपको भी एक कोठी नुमा घर का डिज़ाइन चाहिए तो आप इस मॉडल को पसंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसे हम जूम करें तो आप देख सकते हैं आपको समझने में हो सकता है कुछ दिक्कत आ रही हो, तो साइड से आप देखिएगा ये आपका सबसे पहले आगे की तरफ पोर्च बना हुआ है ना, साइड में राइट हैंड में पोर्च बना हुआ है जिसपे चार पिलर हैं। और इसके बाद आप इधर से देखिएगा पोर्च के बाद आपको एक और ही पोर्च नुमा डिज़ाइन दिखता है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे ना तो ये आगे की तरफ जो रूम निकला हुआ है उसी एरिया में साइड में, इसके बाद ये बारंदे का डिजाइन है। तो बात करते हैं इसके अगर ग्राउंड फ्लोर की, तो ये इसका दोस्तों ग्राउंड फ्लोर पूरा बना हुआ है, देख सकते हैं। टॉप से जब आप देखेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बहुत ही प्रॉपर से। तो पहले मैं आपको टॉप से ये दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये दोस्तों पोर्च है, आप बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं पोर्च, ये देखिएगा। पोर्च के बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर से एक बारंदे टाइप का डिज़ाइन, और ये बगल में गेस्ट रूम बना हुआ है। इसके बाद आगे जाते हैं तो लंबा सा बारंदा देखने को मिलता है, और इधर आपकी दोस्तों ये लेटेंट बाथ एक बना हुआ है, और इधर भी एक लेटेंट बाथ बना है। इस गेस्ट रूम में अलग से मैंने अटैच लेटेंट बाथ दिया है, जैसे कोई भी गेस्ट अगर आता है तो आपके यहाँ पर ठहरता है, तो इसके लिए लेट बाथ सेपरेट दिया है। आप सामने से जब देखेंगे ना तो देखिए प्रॉपर तरीके से सारा डिटेल दिखेगा। मेन डोर दोस्तों इसका ये होने वाला है, ये देखिए बारंदे का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा सा बारंदा है। और मेन डोर से जैसा आप एंट्री करते हैं, मेन डोर के अलावा भी मैंने दोस्तों दो बेडरूम दो आपको डोर दिए हैं, देख सकते हैं इधर से एक इधर से, तो आप जिसे चाहें उससे एंट्री कर सकते हैं। जैसे अंदर जाएंगे तो आप बड़े से एक डाइनिंग हॉल में पहुँचेंगे। इसके बाद राइट हैंड पर अगर आप पहुँचते हैं तो देखिए दो बेडरूम आपको देखने को मिलेंगे राइट हैंड पर, और ये आपको एक किचन देखने को मिलता है, और ये आपका पूजा घर देखने को मिलता है। इधर आप देखें तो इधर आपको एक दोस्तों और बेडरूम देखने को मिलता है, और इधर आपकी स्टेयर्स मिलती हैं, उसके नीचे भी मैंने एक लेट बात तैयार कर दिया है, और ये दोस्तों आपका दो बेडरूम और देखने को मिलता है। तो ओवरऑल इस मॉडल की बात करें तो आपके यहाँ पर 6 बेडरूम देखने को मिलते हैं, दो इधर दो इधर, एक बीच में 5 ये हो गए, और एक आगे 6 बेडरूम के साथ बड़ा सा एक कोठी नुमा डिज़ाइन देखने को मिलता है। इसमें बेडरूम का साइज भी बहुत बड़ा है, गेस्ट रूम भी बेहतरीन है, और बारंदे का डिज़ाइन वगैरह भी आपको बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलेगा। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो जैसे दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पर पहुँचेंगे तो मैंने कोई भी चेंजमेंट नहीं किया, वही सारे बेडरूम्स वही सारा डिटेल आपको मैंने बनाकर रखा है। आगे सिर्फ आपको बालकनी को मैंने आगे बढ़ा दिया है, इससे आपका और भी घर का बेहतरीन लुक देखने को लगे। तो ये गेस्ट रूम था वहीं बना हुआ है, ये दोनों बेडरूम और इधर भी बेडरूम, ये बेडरूम और ये भी सारा डिटेल मैंने बहुत ही प्रॉपर तरीके से बनाया था बारंदे का। तो ये पूरा मॉडल बनकर रेडी होता है लास्ट फ्लोर पर आपका, चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, सारे 3 फीट का उसमें ग्रिल लगा दिया। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अब इसके हम साइज की बात कर लेते हैं, इसका साइज आपके सामने कितना बना हुआ, कितने में मकान बना हुआ है। तो ये दोस्तों लगभग आपका 40 फीट चौड़ा है और 50 फीट लंबाई में बना है, 1200 स्क्वायर फीट गैप अप्रॉक्स में। तो ये मॉडल आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक से जरूर कर दें, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। या हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।